टीएस गरवाल का हम अतुल एंड मिथुन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज से है। काफ़ी बच्चे मुझे इसकी रिक्वेस्ट दे रहे थे कि सर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। आपको भी अगर टीएस गरवाल का किसी भी सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूरा मेंशन कीजिएगा। हो सकता है आपके पास नया एडिशन हो, मेरे पास पुराना हो, या आपके पास पुराना मेरे पास नया, तो क्वेश्चन पूरा मेंशन करें ताकि आइडेंटिफाई कर पाऊँ कौन सा वो क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन डेवलपमेंट या फिर अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.yugsharma.com। यहाँ पर आपको कोर्स मिलेंगे, मेरे पूरे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन मिलेंगे सारे चैप्टर्स, और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन भी। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं एनरोल होने के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन है, अतुल मिथुन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंसेस एज ऑन द 1st April 2021 वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर द फिक्स विच वॉज 5 lakh एंड 6 lakh। देन एक लाइन मेंशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और वो लाइन में क्या लिखा है उसको समझते हैं। लाइन में लिखा है हमारे पास भाई, जो लोन अकाउंट ऑफ अतुल इज 3 lakh क्रेडिट एंड मिथुन 2 lakh डेबिट। इसका मतलब क्या है वो समझो। देखो, क्रेडिट और डेबिट का मतलब यहां पर क्या है इसे क्लियरली उस तरह से समझो जैसे बता रहा हूं। अब यहां पे जो लोन अमाउंट दिया गया है अतुल का 3 lakh क्रेडिट, इट मींस क्रेडिट का मतलब यह है कि अतुल ने लोन दिया है किसको, कंपनी को। डेबिट का मतलब है कि कंपनी ने मिथुन को लोन दिया है। तो अब एक बात बताइए, अगर आप किसी को लोन देंगे तो क्या आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो उस पर्सन के अकाउंट से क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा और आपके पास प्लस होगा। इसी तरह से अगर आपको मैं लोन देता हूं तो मैं क्या आपसे लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज करूंगा? बिल्कुल करूंगा इंटरेस्ट चार्ज। तो आपके अकाउंट से वो इंटरेस्ट क्या होगा, माइनस होगा, और मेरे अकाउंट से क्या होगा, प्लस होगा। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, डेबिट और क्रेडिट। तो पहली चीज हम यहाँ क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं सबसे पहले, जो कि इन्होंने बोला इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 lakh रुपए का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, हमें कितना निकालना है, 8%, जो कि कितना आएगा, 24,000 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम 2 lakh का निकाल लेते हैं, 2 lakh का 8%, जो कि कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 8 to 16,000। ठीक है, अब हमने निकाल लिया। अब हम मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी को लोन किसने दिया है, अतुल ने दिया है, क्योंकि क्रेडिट लिखा है। तो अब अतुल क्या करेगा, लोन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म से, तो पैसा उसे मिलेगा, यानी कंपनी से ये पैसा कटेगा। 24,000 क्या करना है, माइनस करना है। और मिथुन को क्या हुआ था, कंपनी ने लोन दिया था 2 lakh रुपए का, और उस पर वो 8% चार्ज कर रहे हैं उनसे इंटरेस्ट। तो अब मिथुन को क्या करना है, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा कंपनी को, यानी कंपनी के पास ये पैसा आएगा, तो ये प्लस करना है। अब इन दोनों को कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, मैं बताता हूँ। आपने जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इससे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया होगा, है ना? तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, P&L अप्रो अकाउंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, एक शॉर्ट में हमारे पास फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। हम एक हमारी है क्रेडिट साइड और एक हमारी डेबिट साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रेडिट साइड है वहां पे हम लिखते हैं क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट गिवन है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, हमने लिखना है 2,28,000, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यही गिवन है। ठीक है, 2,28,000। अभी ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये आपके काफी काम आने वाली है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में कभी भी आपको अगर 3 चीज गिवन हो, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन, तो ये तीनों चीज कहाँ से डिडक्ट करते हैं, हम माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है उससे माइनस कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये अमाउंट बाहर ना लिखकर इंटरनली इसे लिख दिया हमारे ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में, यानी जहां पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो वहां पे मैंने इंटरनली लिख दिया, और अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉफिट में से इन्हें एडजस्ट करना है। मैंने आपको कहा कि 24,000 क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि कंपनी ये क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी।
ठीक है, और उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव भी तो होगा मिथुन से, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसी प्रॉफिट में 16,000 को ऐड कर देते हैं। अभी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, वो हमारा आएगा 2,20,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है एक्चुअली वो है 2,20,000। ध्यान रखना, मैंने आपको तीन चीज कहा है प्रॉफिट से हमेशा डिडक्ट करने के लिए, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ये हमें माइनस करने होते हैं। अभी हमने 2,20,000 लिख दिया, इसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई ड्राइंग्स चार्ज करी गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5,000 ईच, तो हम यहां पे लिखते हैं बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिखा है मैंने, कौन कौन पार्टनर है, दो पार्टनर है, ए एंड देन मिथुन, है ना, तो यहां पे कितना आएगा 5,000 ईच कह रहे हैं, तो हमने यहां पे 5,000 लिख दिया दोनों में, और बाहर इनका लिख दिया टोटल। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इनका टोटल कर लेंगे नीचे भी, टोटल आएगा हमारे पास कितना 2,30,000। ठीक है, बैलेंस को करेंगे फॉरवर्ड, सेम बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी ग्रेटर साइड बनेगी, जब आप क्वेश्चन पूरा करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि अब हम क्या करना है, अब हमें डेबिट साइड की एंट्री लिखनी है, डेबिट साइड में कौन सी एंट्री हमारे पास, अब रह गई हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो यहाँ पे लिखेंगे 2IOC, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे शॉर्ट में, और लिखेंगे ANM, जो कि कितना है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 5,00,000 पे, और 6,00,000 पे कितना निकलेगा 10% निकलेगा। ठीक है, तो 5,00,000 पे 10% कितना होता है भाई, हमारे पास होता है 5,00,000 पे 10% बनेगा 50,000। ठीक है, 50,000, और इसी तरह दूसरे का भी 10%, 6,00,000 पे 60,000, दोनों का टोटल आ गया 1,10,000। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे माइनस करेंगे। ठीक है, हमने 1,10,000 और 2,30,000 में माइनस करा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 1,20,000। अब 1,20,000 को हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसको, अतुल और मिथुन में ये प्रॉफिट हमें बांट देना है। ठीक है, तो बस इतना सा था हमारे पास, आंसर आएगा हमारे पास एक का 72,000, ठीक है, और एक का आएगा 48,000। ठीक है, इसको कैसे बांटा, नॉर्मली हमने क्या करा, जो हमारा 1,20,000 का प्रॉफिट था उसको हमने क्या करा, शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि 3/5। ठीक है, जो कि होगा 3/5। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन होना था, फिर दोबारा इसको 2/5 में बांट देना है, तो उससे क्या निकल जाएगा, दूसरे पार्टनर का भी प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। चलिए।